आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारियों का ये मामला है। सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सर्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को मुअत्तल कर दिया गया है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर चार अहलकार भी मुअत्तल। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट और तीन जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी शामिल हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने अहलकारों को चार माह के लिए मुअत्तल किया है। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारियों का ये मामला है। सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सर्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को मुअत्तल कर दिया गया है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर चार अहलकार भी मुअत्तल। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट और तीन जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारियों का ये मामला है। सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सर्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को मुअत्तल कर दिया गया है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर चार अहलकार भी मुअत्तल। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट और तीन जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी शामिल हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने अहलकारों को चार माह के लिए मुअत्तल किया है। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारियों का ये मामला है। सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सर्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को मुअत्तल कर दिया गया है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर चार अहलकार भी मुअत्तल। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट और तीन जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी भी शामिल हैं।